अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एनर्जेटिक बायोलॉजी। टुडे आवर लेक्चर बेस्ड ऑन 9th of November 1877 नोन एज इकबाल डे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस करता है ग्रेट पोइट, ग्रेट फिलोसोफर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बर्थडे पर, यानी कि आज इकबाल डे है। तो हमने सोचा कि आज का जो हमारा लेक्चर है हम एक छोटा सा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की याद में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वॉज बॉर्न ऑन 9th of November 1877 एट सियालकोट। सियालकोट में आप पैदा हुए 9 नवंबर 1877 को, और सियालकोट में आज भी वो मकाम मौजूद है जहां अल्लामा मोहम्मद इकबाल की विलादत हुई, और उसका नाम है इकबाल हवेली। आज भी उस इकबाल हवेली को बड़ी रौनकों से सजाया जाता है, लाइटों से सजाया जाता है, और तकारीब का अहतमाम किया जाता है, और इकबाल की याद को ताज़ा किया जाता है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल मुसलमानों के लिए एक बहुत दर्द और एहसास रखते थे, और वो ये चाहते थे कि मुसलमान के लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए जहां वो अपनी ज़िंदगी सुकून से और आज़ादी के तौर पे गुजारें। ही सैड मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, अलहदा रियासत होनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ओपनली निगेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन एंड सेड, उन्होंने आज़ादी के साथ कहा कि एक कॉन्सेप्ट जो है एक आज़ाद रियासत का, उन्होंने कहा नेशन आर बेस्ड विद रिलीजन, कौमें जो बेस करती हैं वो मज़हब पे करती हैं, नॉट विद टेरिटरीज, सो वी आर सेपरेट नेशन बिकॉज वी हैव आवर ओन आइडियोलॉजी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि हम एक आज़ाद और डिफरेंट और सेपरेट नेशन है बिकॉज वी हैव आवर ओन आइडियोलॉजी। तो क्यों हम एक गुलामी की ज़िंदगी गुजारें, क्यों ना हमारे पास एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए जहाँ पर हम आज़ादी के साथ अपने रस्म व रिवाज, अपने त्यौहार, अपने मज़हब के मुताबिक गुजारें। तो ही कंटिन्यूसली सेड के मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए एक अलग और आज़ाद रियासत होनी चाहिए जहाँ वो अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारें। वो चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंस कंट्री होना चाहिए, इसी वजह से उनको ड्रीमर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, कि उन्होंने कायदे आज़म को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत चाहते हैं। वो ये देख रहे हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत होनी चाहिए जहाँ वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इकबाल के बारे में किसी ने कहा कि ख्वाब गफलत से जो अहले दर को चौंका गया, सिर्फ वो इकबाल था, उसके सिवा कोई नहीं। तो इकबाल डे का जो कंप्लीट मैसेज है वो ये है कि इकबाल ने नेशन को एक रोशनी दिखाई, कौम को एक रोशनी दिखाई, कि इकबाल से पहले लोग गफलत में थे और उन पर दिन रात जुल्म और सितम था। तो इकबाल ने एक तसव्वुर पेश किया, क्यों ना इनके लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए, अलग रियासत होनी चाहिए जहाँ ये आज़ादी के साथ बगैर जुल्म और सितम के अपनी ज़िंदगी गुजारें। आखिर में वीडियो के हम अल्लामा इकबाल के कुछ पोइट्री के अशआर पेश करेंगे जो बहुत मशहूर हैं, और अल्लामा इकबाल की याद में हमारा ये लेक्चर इसके बाद कंप्लीट होगा। स्क्रीन पर आपको अल्लामा इकबाल के कुछ मशहूर शेर पेश किए जा रहे हैं, जिसमें नंबर वन है, अल्लामा इकबाल ने फरमाया अफराद के हाथों में है अकवाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। इसके बाद अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इसको अपनी मंजिल आसमानों में। नौजवानों के लिए उनके ये मशहूर शेर है, जिसमें उन्होंने कहा तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। और मुसलमानों के लिए उन्होंने जो कहा आज़ाद रियासत के लिए जो उनका शेर मशहूर हुआ, उसमें उन्होंने कहा हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। यानी बहुत मुश्किल से चमन में एक ऐसा फूल खिलता है जो हजारों साल बाद खिलता है। तो मुसलमानों के लिए अल्लामा इकबाल के जो एहसास हैं, जो उनके दर्द हैं, वो हमेशा याद रखे जाएंगे मुसलमानों के लिए। और जो उनकी शायरी है, जो उन्होंने किताबें लिखी, गज़लें लिखी, नज़में लिखी, वो बहुत मशहूर हुई तारीख में, और आज भी पाकिस्तान और दुनिया भर में उनसे रहनुमाई हासिल की जाती है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का गहरा रिश्ता था, कायदे आज़म के वो दोस्त थे, और कायदे आज़म के लिए दिल में उनके लिए एक अलग ही मकाम था। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का इंतकाल 21 अप्रैल 1938 में हुआ, और उनका जो मज़ार है वो लाहौर में मौजूद है। आज अल्लामा मोहम्मद इकबाल का डे मनाया गया,
हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इकबाल के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनको जन्नत में जगह दे, और हमें उनकी जो रहनुमाई है और जो उनके फरामीन हैं उन पर अमल करने की तौफीक दे, और पाकिस्तान को कयामत तक सलामत रखे। आमीन। थैंक यू।